दोस्तों, मेरा नाम है मृत्युंजय सिंह और आज ये जो वीडियो आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल मृत्युंजय धारणा पे देख रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम एक नज़र डालेंगे अतीक अहमद और अशरफ पे। दोनों भाई का जैसे कल मार्मिक तरीके से हत्या कर दिया गया प्रयागराज में। सबसे पहले हम अपनी बातों को रखने से पहले हम एक वीडियो दे रहे हैं, वीडियो को आप देख लें, उसके बाद अपनी बातों को रखें। मेडिकल चेकअप होता है, उस रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए अशरफ और अतीक को लेकर मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम दोस्तों, आपने वीडियो देखा। अब सबसे पहले मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आपको वीडियो देखने का एक मोरल क्या समझ में आएगा, क्या समझ में आया आपको, मोरल स्टोरी क्या थी वीडियो की? दोस्तों, मोरल ये थी कि हर अंजाम का एक ऐसा आखिरी वक्त होता है जो उसको भोगना ही पड़ता है। जैसे असद का इनकाउंटर हुआ, तो कहते हैं ना कि बाप किया दरा बेटा ही भोगता है। आपने रामायण देखा होगा कि रावण सबसे पहले आखिरी में जाता है युद्ध में, सबसे पहले अपने बेटों को भेजता है युद्ध में। बेटों का जब युद्ध में मरणोपरांत हो जाता है तब जाकर रावण आता है। वैसी एक कहानी है अतीक अहमद और मोहम्मद अशरफ की। कहते हैं ना कि हर एक बुराई का अंत जरूर होता है। मैं उस अतीक अहमद की बात कर रहा हूँ, उस अतीक अहमद की जिसका प्रयागराज में जिस भी प्रॉपर्टी पे वो हाथ रख देता था वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाती थी। कम से कम 40 साल की उसकी स्टोरी है, 40 साल से वो प्रयागराज में उसका आतंक था। कहते थे हजार हजार गाड़ियों के साथ उसकी काफिला निकलती थी। कल उसका 10:30 बजे दोनों भाइयों का हत्या हो गया प्रयागराज में। मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रयागराज में जो भी हुआ सही हुआ, ठीक है, ये कानून का काम था, लेकिन जिस तरीके से मोहम्मद अशरफ मोहम्मद आतिक अहमद का आतंक था उसका अंजाम ये होना ही था, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि मैं आज वीडियो पे लाइव आने का मेरा मकसद है ना, बस बताने की स्टोरी ये है। मैं लाइव इसलिए आया हूँ, वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, मेरा बस पर्पज इतना है कि इस वीडियो से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। ये योगी राज है, माननीय महाराज जी का उत्तर प्रदेश है, एक ही नीति है, माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। योगी जी ने भाषण में 1 मिनट पहले ही कहा था हर माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। माफियाओं को मिट्टी में मिलाना उन्होंने शुरू कर दिया। मुझे आज लगता है कि योगी जी को वोट देना मेरा सही था। अब मैं सही बताऊँ कि मैं योगी से इस्तीफा मांग रहा हूँ, वो सीएम पद से इस्तीफा दे दें, अब उन्हें पीएम बनने की जरूरत है। इससे बहुत सारे माफिया सबक लेंगे भाई, बहुत सारे माफिया सबक लेंगे। आज की डेट में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि किसी भी जेल का दरवाजा खोल के तुम छोड़ दो, कोई भी माफिया, कोई भी क्रिमिनल, कोई भी अपराधी बाहर नहीं निकलेगा। ये राम राज्य है, कहते हैं ना कि क्षत्रिय जब साधु गद्दी पे बैठता है ना तो उसको सिर्फ शांति व्यवस्था चाहिए होती है। योगी जी आज वही कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस उसको। दोस्तों, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, ये सही कहा गया है। जिस मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि जिस अतीक अहमद के आतंक ऐसा आतंक था कि प्रयागराज में हजार हजार गाड़ियों के साथ काफिला उसकी निकलती थी, जिस भी प्रॉपर्टी को हाथ रखा था वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाती थी। अभी कल कह रहा है, जेल में रहने के बावजूद कह रहा है कि मैं जब भी निकलूंगा अपने बेटे के आतंक का बदला लूंगा, मैं इंतकाम लूंगा। मैं भाई अभी भी रस्सी जल गया लेकिन नहीं ठन नहीं गया, कहते हैं ना वही स्टोरी थी। मैं दोस्तों आज मैं कुछ सोशल मीडिया के पोस्ट आपको सुनाऊंगा, मैं कैसे कैसे सोशल मीडिया पर लोग पोस्ट कर रहे हैं। हालांकि ये हत्या है, अशरफ दोनों भाइयों की, दोनों डॉन भाइयों की हत्या की गई है, पुलिस उसको दोनों उन सभी तीनों अपराधियों को सजा देगी, वो कानून का काम है। लेकिन मैं कुछ सोशल मीडिया के पोस्ट कुछ रिएक्शन आपको पढ़ के सुनाऊंगा और देखूंगा कि लोग कैसे कैसे रिएक्शन दे रहे हैं पोस्ट अपलोड कर रहे हैं सोशल मीडिया। चलिए सुनाते हैं कुछ बढ़िया बढ़िया पोस्ट, शायद आपको बहुत मजा आया सुनते। सबसे पहला मैं पोस्ट सुनाना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में अब कोई भी माफिया भले ही बवासीर से मर जाए लेकिन वो मेडिकल जांच नहीं कराने जाएगा। ये सोशल मीडिया के पोस्ट में कुछ सुना रहा, ये क्यों? अतीक अहमद के लिए लोग पोस्ट कर रहे हैं, उसी अतीक अहमद जिसका आतंक का पर्याय बन चुका था वो। दूसरा पोस्ट सुना रहा, अपने ही पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल तक चलकर जाने वाले अतीक और अशरफ विश्व के पहले इंसान बने। दूसरा पोस्ट सोशल मीडिया पोस्ट किए जा रहे हैं। एक रामायण से रिलेटेड एक पोस्ट हुआ है कि वैसे रामायण के मरने से पहले भी उसका बेटा युद्ध में मरा था, बस राम कथा सुना रहा हूँ दोस्तों और कुछ नहीं, जय श्री राम।
इस मोरल है यार, मैं मोरल सिखाना चुकाना चाहता हूँ। बहुत सारी क्रिमिनल्स वीडियो को देखेंगे तो सबक लेंगे इससे, कोई भी अपराध करने से पहले। दूसरा पोस्ट, मुतने से लेकर ठोकने तक का लाइव कवरेज के लिए आज तक वालों का शुक्रिया मीडिया वाले। चौथा स्तंभ कहते हैं मीडिया को। खैर ये वाला दूसरा एक और पोस्ट सुनिए, सुनाऊंगा मैं अगले पोस्ट में आता हूँ। अब कोई मीडिया का आभार व्यक्त नहीं करेगा, तो जान पे खेल कर पूरी फिल्म दिखा दी मीडिया ने तुमको। हमने भी देखा, मैं लाइव देख रहा था, मुझे आंखों से विश्वास नहीं हो रहा था कि दोनों डॉन भाइयों का हत्या हो गया प्रयागराज में, पुलिस कस्टडी में वो भी, और हत्या करने वाले तीनों अपराधी ने सरेंडर भी कर दिया। एक भी पुलिस वालों को चोट नहीं आई। उनका मकसद क्या था आखिर? कोई ऐसा तो कुछ नहीं है कि कोई किसी ऊपर वाले नेता कहाँ था उसमें, कोई ऐसे लोगों कहा तो जो नहीं चाहते थे कहती कहमत वो राज खोले। बहुत कुछ चीज़ें हैं, मैं अभी कुछ अभी बहुत कुछ सुनाने वाला हूँ वीडियो। कंटिन्यू आप बने रहिए मेरे वीडियो साथ। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिएगा, वीडियो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। वीडियो बहुत ही काम का है, वीडियो बनाने का मेरे अतीक अहमद मोहम्मद असरफ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वीडियो आप लोग देखें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। बहुत लोगों के लिए मोरल होगा ये वीडियो हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है। एक भैया पूछ रहे हो मैंने बोला मूवी देख, एक भैया पूछे क्या कर रहे हो, मैंने बोला मूवी देख रहा हूँ, और जब पूछे कौन सी तो मैंने बोल दिया अतीक का अंत देख रहे हैं। अरे डॉन भाइयों की स्टोरी, जिस अतीक अहमद को मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता अपने शब्दों में, बहुत लंबी चौड़ी इसकी स्टोरी है। कम से कम 1000 से ज़्यादा उसके दुश्मन है, कौन कब किसने मार के चला गया कोई कुछ नहीं कह सकता। सब नियति का खेल है, जैसा जो बोता है वैसा ही एक दिन काटता है। दूसरा प्रश्न अगला, आतंकी अतीक की कहानी खत्म, जय हिंद जय श्री राम। बहुत ये सब सोशल मीडिया पोस्ट किए जा रहे हैं क्योंकि लोग बहुत खुशी है उसके अंदर अतीक अहमद को लेकर। अगली पोस्ट, मेडिकल कराने को कहकर भला ऐसे पोस्टमार्टम कौन कराता है, बड़ा डर का माहौल है, देश रहने लायक नहीं हो सकता। माफिया मिट्टी में मिलना स्टार्ट हो गए, शायद योगी जी को वोट देना मेरा सही था। योगी जी धीरे धीरे, योगी जी धीरे धीरे, सुना है ना कह रहे अपने कोविड में बहुत वायरल हुआ था, अरे योगी जी धीरे धीरे। अगली क्वेश्चन आ रहे, अगला क्वेश्चन सुनाने लायक नहीं, मैं नहीं सुना पाऊंगा थोड़ा, मैं कुछ और क्वेश्चन आ रहा है। माफिया युग का अंत, एक नए युग की शुरुआत, ये एक बहुत अच्छी स्टोरी है, प्रतिभा सिंह चौहान जी ने लिखा है। माफिया युग का अंत, एक और एक नए युग की शुरुआत हो गई है। और भी कुछ पोस्ट में सुनाऊंगा, बहुत सारे ऐसे पोस्ट सोशल मीडिया पे शेयर किए जा रहे हैं जिसको अब मैं कितना पोस्ट है मैं बस दिखाना चाहता हूँ लोगों को कि लोग इसे सबक लें। योगी राज है, योगी जी ने एक चीज लोगों को सिखा दिया कि अपराधी किसी आम इंसान को क्षति नहीं पहुंचा सकता। कानून का राज अभी भी उत्तर प्रदेश में है, जो गलत करेगा सो भोगेगा। अतीक अहमद ने इतना आतंक मचा के रखा था, मेरे बहुत जाने वाले प्रयागराज में जो बताते हैं, मैंने भी देखा था, बहुत उसका आतंक था अतीक अहमद का। उसने उमेश पाल हत्याकांड, उमेश पाल को कैसे 20 रोड़े के अपने बच्चों के साथ अपने छोटरों के साथ मरवा दिया उसने। उस टाइम कई सारे नेता ने ट्वीट किया अतीक अहमद के सपोर्ट में, ये यार उस उमेश पाल के लिए भी कुछ अगर तुमने कमेंट ट्वीट कर दिया हो तो बहुत अच्छा लगता देखने में। बहुत बड़ी स्टोरी है अतीक अहमद को मरवाने में, कहीं ऐसा तुमने किसी बड़े नेता कहा तो कि कुछ राज खोल दे। खैर और पोस्ट में आपको सुनाना, उनमें ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, ठीक है। जो कल तक कहते थे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, आज पूछ रहे पुलिस क्या कर रही थी। याद है वैसी साहब का, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, बता देंगे किसमें कितना है दम। आज वही पूछ रहे हैं क्या कर रही थी पुलिस। समय का खेल है यार, नियति का खेल है, कोई समझ नहीं सकता। वीडियो में दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, आज ऐसे बहुत सारी चीज़ों को मैं दिखाने वाला हूँ जो आप इसमें बता भी सोच भी नहीं सकते हैं। वीडियो बनाने का मकसद बस आपको सबक देना है। अगला क्वेश्चन, चलिए एक छोटी सी स्टोरी बता रहे हैं, कुछ देर आप सुन लीजिएगा, न्यूज़ है मैं आपको बताना चाहूँगा। अतीक असरफ की पुलिस कस्टडी में यूं हत्या न केवल योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश है, बल्कि हिंदू आतंकवाद की पटकथा लिखने की षड्यंत्र भी हो सकती थी। जी हाँ, आपने सही सुना, जो मैं आपसे कब से कहना चाहता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं दोनों डॉन भाइयों को मरवाने में किसी का हाथ हो जिससे योगी सरकार को बदनाम किया जाए। योगी सरकार बदनाम नहीं होगी, टेंशन ना लो।
अब इसी में बता रहा हूँ, आगे न्यूज पढ़ रहा हूँ। लगता है जिन्होंने अतीक को बनाया बनाया उन्होंने ही खत्म करा दिया है। सिर्फ कैमरे के सामने वाले नहीं बल्कि पर्दे के पीछे रहने वाले भी पकड़े जाने भी जरूरी हैं, जिन्होंने हो सकता है अतीक को मरवाया, उससे हो सकता है बहुत सारी स्टोरी खुल जाए। जी हाँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन बहुत बड़ा गेम है दोनों डॉन भाइयों को मरवाने। अपने लड़के के मरने के बाद अतीक टूटने लगा था, उसे अपने परिवार की चिंता सताने लगी थी, अब वो कई राज खोलने लगा था। हो सकता है कि उसे सरकार से सरकारी गवाह बनकर अपनी जान के बदले कुछ बड़े राज खोलने की डील की हो। जी आप न्यूज़ बने रहे मेरे साथ आप, वरना अचानक पाकिस्तान से ड्रोन के सहारे भारतीय बॉर्डर में हथियार गिराने का राज क्यों खोलता वो? इस विषय के इर्द गिर्द तो उसने कोई पूछताछ भी नहीं कर रहा था। सुनिए आगे की स्टोरी। विचारणीय है कि अगर पंजाब बॉर्डर पर पाकिस्तान हथियार फेंकता तो आज तक पंजाब पुलिस को ये बात क्यों नहीं पता चलती? ISI, अंडरवर्ल्ड, पाकिस्तान के इस नेटवर्क में बैठे कौन कौन वो जो लोग जुड़े थे? पंजाब, कश्मीर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कई अपराधी और सफेदपोश लोग इस नेटवर्क में जुड़े हो सकते हैं। जी हाँ, मैं बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ आपको। अतीक अब इस नेटवर्क को एक्सपोज करने लगा था। जी हाँ, अतीक इस नेटवर्क को सबके सामने पुलिस को बताना स्टार्ट कर दिया था। वो भी बताने लगा था हथियार कहाँ छुपा के रहते हैं, कहीं इसलिए तो वही पेशेवर शूटर की मदद लेकर अतीक अशरफ को मरवा दिया गया। जी हाँ, दोनों डॉन भाइयों को अतीक अहमद ने माना था कि उसका संबंध ISI और आतंकी संगठन लक्सर से है। वो पाकिस्तान से हथियार मंगवाता था, पंजाब में ड्रोन के जरिए वो हथियार गिराए जाते थे, मैं उसको खरीदता था। अतीक ने भी माना कि उसके पास हथियारों की कोई कमी नहीं थी। उससे यह भी बताया गया कि कश्मीर में आतंकियों को भी हथियार ऐसे ही मिलते हैं जैसे उसको ड्रोन के सारे उसको मिलते हैं। चार्जशीट के मुताबिक अतीक ने यह भी माना कि अगर उसे उस ठिकानों पर ले जाया जाए तो वो पैसा, हथियार और कारतूसों को बरामद कर सकता है। प्रयागराज का एक गुंडा अब बड़े माफिया नेटवर्क और अपने संरक्षक राजनेताओं के लिए बेकार भी हो गया था। अंदर की बात बता रहा हूँ, मरने का रीजन उसके जिंदा रहने से अधिक उसकी मौत कुछ लोगों के लिए जरूर फायदेमंद साबित हो सकती थी। जांच कमी से अतीक तो छोटा सा गुंडा था, लेकिन जिस नेटवर्क का हिस्सा था वो बहुत बड़ा था। अंधेरा कायम रहने वाली दुनिया में लादेन, बगदादी, अतीक, दाऊद किसी की भी वैल्यू नहीं, बस नेटवर्क पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। अतीक की मौत के कई लोगों को फायदे हो सकते थे। उसकी 10,000 करोड़ की संपत्ति पता नहीं कहाँ कहाँ बटी होगी दोस्तों। जी हाँ, 10,000 करोड़ की संपत्ति, 1,000 करोड़ तो गवर्नमेंट ने उसकी सीज कर दी, बस बहुत सारे उसके पास थे। अतीक ISI पाकिस्तानी आतंकी संगठन भारतीय नेटवर्क बहुत बड़े नेटवर्क राज खोलने वाला था। इस घटना से हिंदुओं को भी बदनाम करने की साजिश रची गई हो सकती है। उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम दंगों को हवा देने की साजिश भी हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगी जी हिंदू दोनों को टारगेट किया जाएगा। कुल मिलाकर अतीक को भले ही सामने से मारा गया, लेकिन मरवाया गया पर्दे के पीछे से। अतीक की सुरक्षा में लगे सभी पुलिस वालों की पिछले एक हफ्ते गतिविधियों की गहन जांच होनी चाहिए। देखते हैं, कुछ और पड़ते खुलने दीजिए, धीरे धीरे यूँ पूरी साजिश समझ आएगी। साथ ये भी ध्यान रखिए कि अतीक को मारने वाले ये 3 गुंडे भी समाज के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। सभी राज जानकर इनको भी सदा सदा के लिए समाज से दूर कर देना चाहिए। इंतजार कीजिए सच के बाहर आने तक का। सच क्या है, आप क्या सोच रहे हैं बताइए। खैर दोस्तों, मैं मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है और योगी जी उसको बहुत अच्छे से बखूबी निभा रहे हैं अपने लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, माफियाओं को मिट्टी मिला रहे हैं। ऐसे सारे माफियाओं को, जितने भी हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे राजपूत हो, ब्राह्मण, किसी भी कास्ट के माफियाओं, सबको मिट्टी मिला देना चाहिए योगी जी को। उत्तर प्रदेश में सिर्फ कानून राज होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कानून राज। माफियाओं को एक पता होना चाहिए कि राजगद्दी पे बैठा एक राजपूत, एक क्षत्रिय अपना क्षत्रिय धर्म निभा रहा है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। योगी जी ने सही कहा था, माफियाओं को मिट्टी में मिला देना। दोस्तों धन्यवाद, मुंह भी दर्द करने लगा, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। वीडियो बहुत अच्छा लगा तो अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट यूट्यूब पे शेयर करिएगा। कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। धन्यवाद, थैंक यू।